परम शांति बाबू जी। बाबू जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दुनिया में जो रियलिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वर्ल्ड ऑफ सिद्ध गुरु, जो योगी की जो दुनिया है उनके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी है, देखी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पायलट बाबा की बात करें तो पायलट बाबा जो थे वो एयरफोर्स में फ्लाइट उड़ाते थे, और मिग विमान जो फाइटर प्लेन है वो उड़ाते थे। और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, मतलब जो उनका बेस से उनका जो कनेक्शन कट गया जब बॉर्डर पे, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे शायद, और फिर उनको पता नहीं था कि प्लेन अब कैसे लैंड करे। तब उनके गुरु वो मिग विमान में प्रकट हुए और उन्होंने वो फ्लाइट को चलाया और उन्होंने धरती पे लैंड किया। उसके बाद वो फ्लाइट कमांडर नीचे जो थे या जितने भी जो स्टाफ थे उनसे उनके गुरु भी दिखे, मिले, और उसके बाद में वो गुरु उनको मिलने के बाद वो चले गए। फिर उनके लाइफ में ऐसा समय आया 1-2 साल बाद, फिर वो उनकी गाड़ी में भी प्रकट हुए। फिर उन्होंने जब संन्यास लेने का फैसला लिया तो जब वो घर छोड़ के जब जंगल में गए तो जंगल में उनको वो गुरु मिले और उनको उन्होंने ये बताया कि मैंने ही तुम्हें ये सब, आपके साथ ये चीज़ें हुई इसलिए तुमने संन्यास लिया और अभी चलो मेरे साथ हिमालय में। फिर उन्होंने 20 साल हिमालय में तप किया और फिर बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो पूरी दुनिया में उन्होंने बताई। तो लोग जो है इस बात पे विश्वास करने लगे और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे धीरे धीरे आगे करते जाएंगे, क्योंकि हम जो दुनिया को जानना चाहते हैं वो लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, और आपके जीवन की भी बहुत सारी बातें जो आपके एक बुक थी अवर एलियन कनेक्शन उसके अंदर भी है। रुजबे बरुचा ने जो लिखी है, जो बुक लिखी है द होम ऑफ ऑल थिंग्स, उसके अंदर भी है। लेकिन हम आपसे इंटरव्यू के माध्यम से सब कुछ जानना चाहते हैं जो शायद उस बुक के भी आगे, जो आज आपने हमें नई चीज़ें जो बताई है। तो बापूजी, हम शुरुआत करते हैं। अगोचर विश्व माने जो नहीं दिखता, ऐसा विश्व जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन वो सच है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दुनिया के बारे में आप बताइए बापू। देखो, पहले तो 3 डेफिनेशन दे दूं। लौकिक माना जो स्थूल जगत, प्राण तत्वों की दुनिया, मृत्यु लोक, ठीक माना है, मनुष्यों की दुनिया। ठीक है, जो 5 तत्वों की दुनिया है वो स्थूल है, तो इन स्थूल चरम चक्षुओं से तुम स्थूल दुनिया देख सकते हो, ठीक है, तुम सूक्ष्म जगत नहीं देख सकते। जो सूक्ष्म जगत में ऐसे कई आत्माएं हैं जो तुम उनको, तुम्हारे आसपास भी कई आत्मा हो मगर तुम नहीं देख सकते। बिल्कुल, जैसे कई घरों में तुम्हारे पूर्वज भी रहते हो, बैठे हो, जी, तो भी नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते? पहले तो वो अलौकिक नहीं होता है, मगर वो उनको तो एक साधारण आत्माओं की लिस्ट में तो कहा जाता है ना, उनको तो भूत प्रेतों की दुनिया कहा जाता है ना। मगर जो अच्छे, जो सिद्ध गुरु होते हैं, जो हिमालय में हैं, बहुत सिद्ध गुरु जो तपस्या करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि ये पायलट बाबा है, जी, उनके जो गुरु थे, हरी बाबा, हाँ हरि बाबा। तो जो हरि बाबा जैसे सिद्ध सिद्ध जो गुरु होते हैं, वो उनकी हमेशा अपने देश के प्रति बहुत वफादारी की इच्छाएं होती हैं। तो ऐसी आत्माएं किसी का तन का सहयोग देकर जी, देश कल्याण उनको, के हाँ, लिए, उनको हेल्प भी करते हैं बिल्कुल, और धीरे धीरे उनको फिर संसार से कट ऑफ करके हिमालय में खींच ले जाते हैं सच और बोल, उनसे तपस्या कराते हैं, और फिर उनको उनका माध्यम बनाकर, उनको अपनी शक्तियां प्रदान करके, फिर इनके द्वारा अच्छा संसार में अच्छा कार्य कराना चाहते हैं। जी, तो ये सिद्ध पुरुष कहेंगे, ये सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे बहुत सिद्ध पुरुष हैं अब जितने भी। और मगर उससे भी ऊपर कई अलग सिद्ध पुरुष होते हैं, मैंने बोला है सूक्ष्म तन में, जो अलौकिक दुनिया कहते हैं। तो अलौकिक दुनिया के अंदर ऐसे बहुत उससे भी ऊपर की दुनिया में जो है, जैसे हिमालय में रहते हैं वो तो सिद्ध पुरुष है, मगर इससे भी ऊपर बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं ऊपर हैं, जो जैसे धरती से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 5 लाख, जिनको हम अलौकिक दुनिया कहेंगे। तो वैसी अलौकिक दुनिया में सिद्ध गुरु बहुत बैठे हैं। जैसे देवता लोग भी तीसरे दुनिया में जो आता है ना, भूलोक, बुभुर्लोक, स्वर्लोक, 3 लोक जो होता है, जी, तो देवता जो आता है वहां तक अलौकिक दुनिया है, ओके, तीसरे जी, लोक तक, ओके, फिर इससे महालोक तक, फिर इससे ऊपर जो है वो पार अलौकिक दुनिया, अलौकिक से भी पार, तो वो ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी तक सत्य लोक है। तो ये 3 दुनिया है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो ऐसे बहुत सृष्टि में बहुत ऐसे
सूक्ष्म जगत की आत्माएं ऊपर से भी आती हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा केवल हिमालय में भी रहते हैं, ऊपर सूक्ष्म अवतल में मतलब अलौकिक दुनिया से कई सिद्ध पुरुष आते हैं, कई आत्माएं हाई क्वालिटी आत्मा आती हैं और यहाँ जो अच्छे मनुष्य सिलेक्ट करते हैं लोग कि इनके द्वारा मैं अच्छा कार्य कराऊं, तो इनके द्वारा काम अच्छा कराते हैं। जैसे कई लोग नहीं होते पानी मंत्र के देते हैं, कईयों को रोगियों को ठीक करने के लिए थोड़ा समय चलती है उनकी शक्तियां, फिर साल दो साल तीन साल या चार साल पांच साल में उनकी शक्तियां खत्म हो जाती है, क्योंकि इनके साथ सूक्ष्म अवतल से ऐसी हजारों आत्माएं आती हैं जो दुनिया का कल्याण करना चाहती हैं। इसलिए ऐसी सिद्ध योगी हैं मगर वो अलौकिक दुनिया से आते हैं, इसलिए अलौकिक दुनिया में ऐसे बहुत सिद्ध योगी हैं, बहुत सिद्ध योगी हैं। जितने भी मैंने एक वीडियो में बोला है, जितने भी ये साधु संत महात्मा जो आश्रम चला रहे हैं उनके पीछे न पीछे ऐसे सिद्ध योगियों का ये अलौकिक दुनिया से आई हुई आत्माओं का ही कनेक्शन होता है। बापूजी एक देवी की भी बात आपको बीच में बताना चाहूँगा, जो रुस्बे की एक बुक है उसमें उन्होंने मेंशन किया था, देवी एम्ब्रिल शायद था, तो उनके अंदर जो एक इंजीनियर थे वो 45 इयर्स के थे और उनके तीन चार बच्चे भी थे और वो लौकिक जगत में मतलब एक स्थूल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के तौर पर जॉब करते थे। फिर वो देवी उनको प्रकट हुई, उनको बोला तुझे नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो मान नहीं रहे थे, तो उनके पैर जब वो बाइक लेके जा रहे थे तो उनका साइलेंसर पैर, उनका पैर जो है वो साइलेंसर को टच हो गया, तो उनके पैर पे वो मछली का एक वो एक फिगर बन गई, तो उनको पता चला कि यार ये बात तो पहले देवी ने बोला था कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। फिर उनके कपड़ों के अंदर घर में अलमारी में आग लग जाती थी, ये बात भी उन्होंने उसमें लिखी हुई है। तो उनको जो है वो इस दुनिया में से हटके एक ऐसे अलौकिक दुनिया में उनको लाने के लिए देवी ने बहुत सारे उनको ऐसे चमत्कार दिखाए, तब जो है वो इस दुनिया में आए और फिर उन्होंने दुनिया का भला करना शुरू किया। तो आपने कई बार हमारे दादी के बारे में, लक्ष्मी दादी के बारे में भी बहुत बातें बताई है, थोड़ा सा आप बताएंगे तो, क्योंकि क्या है कि लोगों को क्या है कि ये बिलीव नहीं होता कि ऐसा टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये तो 1970 की बात थी पायलट बाबा की, और ये जो चीज़ें आज टेलीपोर्टेशन हो सकता है या नहीं हो सकता साइंस तो ढूंढ रही है, लेकिन आध्यात्म जगत में तो ये पॉसिबल है आपके हिसाब से? देखो ये जो आध्यात्म जगत की आत्माएं हैं वो टेलीपोर्टेशन आराम से कर सकती हैं। टेलीपोर्टेशन माना व्यक्त माना पांतत्व में से एक सेकंड में अव्यक्त स्वरूप धारण कर सकती हैं। ऐसे हमारे देवी देवता भी ऊपर से धरती पर से नहीं आते थे और आते थे यहाँ अव्यक्त से व्यक्त में आते थे, तत्वों में आते थे, मनुष्य बन जाते थे, फिर जब जाना है तो फिर व्यक्त से अव्यक्त दुनिया बन जाते, तो उनके पास उसी टाइम आत्माओं की शक्ति होती है, उसके पास वो करने की एक कला भी होती है, इन आत्माओं को सिखाया जाता है कैसे तुम्हें टेलीपोर्टेशन करना है। तो जैसे मैंने मेरी मदर के बारे में एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था और एलियन कनेक्शन का एक आपने एलियन के ऊपर जो बातें बताई थी उसी वीडियो में शायद आपने दादी के बारे में भी बताया था। प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में जब बचपन से पहले एक देवी जोगणी कहते हैं, हम जोगणी माँ कहते थे उसका जब छोटे थे, तो माँ कहते हैं देवियों को, माँ कहते हैं ना जोगणी माँ, तो जोगणी नाम की देवी थी, वो पहले मेरी नानी में भी आती थी, इसके बाद में मेरी नानी ने शरीर छोड़ दिया तो वो मेरी मदर में आने लगी, और मेरी मदर में आती थी तो कई जगह प्रत्यक्ष भी हो जाती थी, आकर बोलती थी कल होने वाला ध्यान रखना, परसों बोलना, ये कभी कभी हेल्प भी करती थी। तो कभी वो मेरी मदर घर में है मगर वो खेतर में दिख जाती थी, तो पड़ोस खेत खेत की पड़ोस वाली जो कोई जैसे औरत है, एक दिन हम छोटे थे बताया था कि पड़ोस वाली औरत ने बताया कि तो मेरी मदर को पूछा तू अब घर पे है तो तू तो खेत में थी अभी, तूने तो ये घास का जो चारा है काटा हुआ उसका जो पोटकी है क्या बोलते है उसको गुजराती में पोटली बोलते है उसको, तो तूने मेरे सिर पे रखी थी। तो मेरी मदर ने बोला मैं तो आज खेत में गई नहीं, तो फिर मेरी मदर ने बोला हाँ जोगणी माँ होगी जो तेरे को हेल्प करने के लिए उसने मेरा रूप धारण किया होगा और तेरे को ये हेल्प करके फिर चले गए होंगे। तो ऐसी तरह कई हमारे जीवन में भी कई होते थे कि मेरी मदर को ऊपर से बोलते आज दिव्य रथ आएगा और मुझे ले जाएगा, तो ऐसे कई हमने बहुत इंसिडेंट देखे हैं। और बचपन से भी गाँव में तो ये भूत प्रेत की कहानियां बहुत होती थी, जो भुआ भूत निकालने होते थे मैं बचपन से उनके पास चला जाता, देखता है भूत निकालते हैं उसमें भूत घुसा है नहीं ये सब। तो भले दुनिया माने या ना माने, आज तो सारी दुनिया मानती, मुसलमान भी जिन्नात को मानते हैं, जिन को मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं,
सभी मानते तो सूक्ष्म जगत की ऐसी आत्माएं होती हैं जो उनको, मगर ये अलौकिक नहीं कहेंगे, ये ऐसी आत्माएं अलौकिक नहीं होती। ओके, वो अलौकिक दुनिया वाली नहीं कहेंगी, जैसे धरती के 200-500 किलोमीटर तक जो आत्माएं रहती हैं वो उनको अलौकिक दुनिया नहीं कहेंगे। 500,000 किलोमीटर से ऊपर जो दूसरा लोक है, ये भूलोक है, धरती लोक, इससे ऊपर दूसरा भूभुर्व लोक है, तो उसमें रहने वाली आत्माएं, वहां से स्टार्ट होता है अलौकिक दुनिया, दूसरा लोक, तीसरा लोक, स्वर्ग लोक, महालोक तक अलौकिक दुनिया, इससे ऊपर पार अलौकिक दुनिया है। तो बाबू जी, ऐसे अनंत आनंद ब्रह्मांडों में सेम सिस्टम है, हर जगह पे भूलोक ये सब है, सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, महाकारण जगत है, हर ब्रह्मांडों में ये सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में, हर गैलेक्सी में, हर मल्टीवर्स में। देखो मैं आपको एक बता दूं कि हिंदू शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड लिखा है ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो हमारा एक ब्रह्मांड है ना, हमारा एक ब्रह्मांड में तीन लोक बताया ना, भूलोक, भूभुर्लोक, स्वलोक, महालोक, जमलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर इससे ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो ऐसे लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, फिर उससे ऊपर कारण जगत, महाकारण जगत, फिर परमधाम होता है ना, तो ऐसी तरह हर ब्रह्मांड भी शिव ने बनाए ना, अनंत आनंद शिव है ना, हमने कई वीडियो में बोला है। बिल्कुल, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बना एक सोलर सिस्टम, तो हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे ग्रह है ना, जैसे हमारे मंगल है, ग्रह है, उपग्रह है, चंद्र जैसे उपग्रह है ना, तो हर सोलर सिस्टम में है तो शरीर, क्योंकि जिसने भी बनाए हैं, तो वो सूर्य बनाया तो किसी ने बनाया ना, जैसे सूर्य नारायण देवता ने सूर्य बनाया, तो ये ब्रह्मांड तो शिव ने बनाया है, तो हर ब्रह्मांड में मृत्यु लोग भी हैं धरती पर, जैसे हर धरती पर धरती है, तो हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बना अरबो सोलर सिस्टम है ना हमारी एक गैलेक्सी आकाश गंगा में, तो ऐसी हर गैलेक्सियों में जहां जहां भी है ब्रह्मांड, वहां हर जगह स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, हर जगह है। इसलिए उसकी, मैंने तो अपना जब समाधि अवस्था में मैं जाता हूँ तो कई बार पूरी मिल्की वे का ऑब्जर्वेशन किया, आकाशगंगा, पूरी आकाशगंगा का ऑब्जर्वेशन किया, और उसमें हमारे ब्रह्मांड जैसी है, मगर थोड़ी डिफरेंस होती है, तत्वों का भी बैलेंस थोड़ा अलग अलग होता, कई अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है, मगर कई तो तीन तत्वों की दुनिया या दो तत्वों की दुनिया, एक तत्वों की दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया, कई जगह खत्म, मतलब परिवर्तन होता है, क्योंकि किसी, जैसे हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा का 50 साल हुआ ब्रह्मांड में, तो दूसरी दूसरे ब्रह्मांड में कहीं ब्रह्मा का 2 साल हुआ है, कहीं 5 साल हुआ है, कहीं 10 साल हुआ, तो अलग अलग ब्रह्मांड बनते रहते हैं ना। तो आपका मतलब ये है कि जो ये जो साइंस वाले कह रहे हैं कि मल्टीवर्सिस है और साइमल्टेनियस, ये समांतर जो समांतर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, वो भी साथ में चल रहे हैं, वहां पर भी जीवन चल रहा होगा, हो सकता है वहां पे कहीं कृष्ण का युग चल रहा हो सकता है, कहीं कौन सा मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में से हर जगह अलग अलग समय चल रहा हो, आपका मतलब क्या ये पॉसिबल है? देखो आज साइंस जो दे रही है वो, वैसे हमारे गैलेक्सी बताई ना, तो गैलेक्सी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, एक गैलेक्सी में आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा, मिल्की वे, तो ऐसी खरबों गैलेक्सी, आकाश गंगा मिलके एक निहारिका, माना एक यूनिवर्स बनता है, और ऐसे बेहिसाब यूनिवर्स मिलके एक मिल्की, एक मल्टीवर्स बनता है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, फिर मल्टीवर्स बनता है। बाबू जी, साइंस में कई बार ऐसा बोलते हैं कि कोई जो बंदा है वो मतलब पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ है, तो उसके वहां पे समय ये चल रहा था और यहाँ के वो एकदम पागल जैसा हो गया, पता नहीं यहाँ कौन सी दुनिया आ गई है, तो मतलब जैसे आज से 100 साल पहले धरती लोक पे कैसी दुनिया थी, तो वहां से अगर कोई आत्मा इधर आ जाए तो वो तो यहाँ देख के हैरान हो जाए कि भैया न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, या ये देश के अंदर, इस पृथ्वी पे क्या हो रहा है, तो ऐसा भी क्या होता है क्या वहां पैरेलल यूनिवर्स की आत्मा इधर आके आ सकती है ऐसे? देखो मैं, इसकी तो दूर की बात है, हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी है, हाँ, कि हमारे एक जो बलराम थे, बलराम की जो पत्नी थी ना, क्या नाम उसका, जो पिताजी और वो दोनों ब्रह्मापुरी में गए थे, जो बलराम की पत्नी रेवती थी, राइट, और उसके पिताजी दोनों ब्रह्मापुरी में थोड़ा ब्रह्मा जी के पास गए थे अच्छा वर ढूंढने के लिए, सजेशन लेने, हाँ, तो वहां वो थोड़े टाइम रुके वहां, हाँ, तो जो धरती पर आए तो कई युगांतर बीत गए, ओके, धरती पर आए तो कई युगांतर बीत गए ना, तो जब आए तो बिल्कुल जो उसका उसी टाइम का जो समय था तो वो सब नष्ट हो गया था ना, तो ये समय जैसे ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन भी धरती पर 1,000 चतुर्युग होता है ना, तो 1 सेकंड बराबर 1,00,000 साल होते हैं, अगर तुम
वहां थोड़ी मिनट भी रुक जाओ धरती पर कितने युगांतर घूम जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे देवताओं को भी हेल्प करने वाला एक कोई, पर ये तो यही ब्रह्मांड की आत्मा गई ब्रह्मांड यूनिवर्स, मगर यूनिवर्स से भी आने वाले जैसे एलियन कहाँ कहाँ से आए, हमारे एलियन कनेक्शन देखो उसमें हमने कई बोला हुआ है, कोई गैलेक्सी से आया हुआ है, कोई यूनिवर्स से आया है, वो वहां तक कि हमारे जो मनुष्य दूर दूर से आए हैं, सारे मनुष्य भी यहाँ धरती पर आए वो कोई ओरिजिनल इस ब्रह्मांड के हैं ऐसा नहीं है। तो बाबू वहां की मेमोरी भी यहाँ लेके आते हैं या मेमोरी उसके साथ आत्मा में रहती है कि नहीं रहती? आत्मा में मेमोरी तो पड़ी हुई है, देखो जैसे कोई यूनिवर्स से आए, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए, और कोई दूर दूर से यूनिवर्स से आए, कोई गैलेक्सी से आए, तो दूर दूर से हाई क्वालिटी आत्माएं तो घूमती रहती है। मैंने एक जर्नी ऑफ सॉल पे भी बताया है, वीडियो है हमारा जी, तो बड़ी बड़ी आत्माएं महा जैसे गैलेक्सी की कैटेगरी की आत्मा, महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं घूमती रहती हैं, इस गैलेक्सी से इस आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा घूमती रहती है ना, तो वो कभी कभी हमारे ब्रह्मांडों में भी आ जाती देखने के लिए, जैसे मनुष्य घूमते रहते हैं ना, हाँ जी, ऐसी तरह घूमते रहते हैं। फिर कभी कभी उनको होता है कि चलो हम सूक्ष्म जगत में है, तीन तत्वों में है, परम तत्वों की दुनिया से तीन तत्वों में आते हैं, तीन तत्वों से फिर बोलते चलो पांच तत्वों में एक जन्म ले लें, घूम पे आते थे एक दो जन्म जन्म, मगर यहाँ आके फंस जाती है, फिर भूल जाती है ना। आत्मा ऊपर कई चमड़ी के लेयर आते हैं, पहले आत्मा पर सूक्ष्म जगत का लेयर चढ़ा, पहले परम तत्वों का लेयर चढ़ा आत्मा के ऊपर, आत्मा परम प्रकाश की भी हो तो भी परम तत्वों का लेयर चढ़ा, आत्मा सूक्ष्म परम तत्वों का शरीर है, फिर उसका सूक्ष्म तीन तत्व, तो परम तत्वों पर तीन तत्वों का लेयर चढ़ा, और तीन तत्व जब मनुष्य बन जाता है पांच तत्वों का लेयर चढ़ गया, तो आत्मा दब गई। आत्मा का वो पांच तत्वों में मनुष्य आता है तो अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है, मगर सब दब जाता है तो आत्मा को याद नहीं रहता है, मेमोराइज नहीं होता। अब जो वो आत्मस्वरूप के अनुभव करे, आत्मस्वरूप की अनुभूति करे, तो उसमें आत्मा में रिकॉर्डिंग सब चीजें हैं, वो आत्मा कहाँ से आई है, गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से दूर दूर से कहाँ से आई है, और उसने क्या क्या कर्म किए, ज्ञान सारा ही हो जाएगा। इसलिए आत्मस्वरूप का ज्ञान बहुत ही महत्व है, इसलिए गीता में भी बोला ना, तो आत्मस्वरूप अनुभूत परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा, अंत में परम नाम ले जाऊंगा, ये हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि गीता का भगवान है ऑलमाइटी ऑथर। कृष्ण ने भी ये बताया था ना कि तेरे भी हजारों जन्म हुए, मेरे भी हुए, मैं वो देख सकता हूँ, तू नहीं देख सकता क्योंकि तू जागृत नहीं है और हम जागृत है। कृष्ण जो उसमें दो प्रकार की बातें है ना गीता में भी, कभी कभी कृष्ण बीच में बोलता है ना, कृष्ण वाली आत्मा साकार है और उसको बोलने वाला गॉड रे द्वारा ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उसके द्वारा कृष्ण साकार जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है उसको साकार कहेंगे, और निराकारी भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी निराकारी भी है, आकारी भी है, आकारी ऑलमाइटी ऑथोरिटी का आकारी रूप उसको गॉड रे द्वारा बुलवाता है, गीता का ज्ञान दिया। इसलिए कई गीता, मगर गीता का आज का ज्ञान है ना, उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन बहुत हो गए, हर चेंज हो गए, जिनको जो मतलब आया उन्होंने समझ लिया। बापू जी अभी रिसेंटली मैंने दो चार दिन पहले ही एक न्यूज ऐसा सुना कि एलियंस जो है वो धरती पे विनाश नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ बातें हो रही थी, पता नहीं ये यूट्यूब में हो रही थी या न्यूज में, कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो रही थी कि जो एलियंस है वो धरती का विनाश नहीं होने देंगे या नहीं होना देने चाहते, वो अच्छा चाहते हैं। देखो एलियंस में मना सूक्ष्म जगत की आत्मा है जो दूर दूर से आ रही है, उसमें दो कैटेगरी की आत्मा है, एक है नेगेटिव आत्मा जो धरती पर विनाश करना चाहते हैं, इसलिए नेगेटिव आत्माओं का सहारा लेकर विनाश 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 कर रहे हैं, समझ में, और वो विनाश के संकल्प फैला फैला के विनाश के साधन उन्होंने बना दिए, इसलिए धरती पर तो विनाश के साधन कितने बन गए हैं, अगर एक भूल से गलती से कोई एक मिसाइल छोड़ दे तो कितना खत्म हो जाएगा। और जो एक है जो अच्छी आत्मा है, जो एलियंस में भी अच्छी आत्मा है, जो विनाश नहीं होना चाहते हैं। और बाबूजी आपने कहा था एलियंस तो परम तत्वों के बने हैं तो उनका माइंड भी, मगर जब रहता है, मगर वो ऊपर में रहकर भी नीचे अच्छा रेत मार के भी काम करवा सकते हैं। जो आपने कहा कि जो नेगेटिव एलियन है, लेकिन वो आपने बोला था वो तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, हाँ, मगर तीन तत्वों में आकर धरती पर आकर किसी में उतरते ना नीचे सूक्ष्म जगत से नीचे आते हैं ना, जो 500 किलोमीटर के लेयर में आ जाते हैं ना, हमारे धरती के 500 किलोमीटर की 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर लेयर में जब हुआ आएंगे तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, तो उसमें नेगेटिव वायु भर जाती है ना, उसका वायु वायु तत्वों में नेगेटिव वायु भर गई ना, तो उसका ब्रेन नेगेटिव बन गया है। जो ऊपर से पारलौकिक दुनिया से आया तब अच्छा था, मगर हमारे वायुमंडल दूषित है ना, वायु का एक एक सेल में नेगेटिव सेल है ना। तो बापू जी तो सेम लो हर एलियन को सेम लगना चाहिए ना, तो कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है, ये कैसे? मगर कई एलियंस अपने दूर से रहकर दूर से रेज मार के वो काम कराना चाहते हैं, मगर धरती पर ऐसे एलियन आके तुरंत भाग जाते हैं, फट से पता लगता है कि हम यहाँ फंस जाएंगे,
कि ये तो ये दूषित वायुमंडल है, तो दूषित वायुमंडल में हम फंस जाएंगे तो हमारा जो परम तत्व की बॉडी है वो तीन तत्वों की बन जाएगी और फिर हम वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए ज्यादातर एलियंस आते तुरंत ही चले जाते हैं, तुरंत ही एक लाइट का गोला आया चले जाएगा, दिखेगा आपको। ये तो बाबूजी हजारों घटनाएं ऐसी होती है मगर सभी नहीं देख पाते। मैंने एलियंस मैं तो यही कह रहा हूँ कि कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है ऐसी घटनाएं, पर वो अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब फिलहाल जो है सरकार भी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती, ना कोई इसके बारे में बता, क्योंकि एक डर फैल जाएगा इसकी वजह से ये लोग नहीं बताते। पर मैंने ऐसी कई बातें जो है, आपका एक वीडियो है सीक्रेट ऑफ मीडियम के ऊपर, इसमें एक लेडी थी उसका नाम डीबीओस करके कुछ था, और उसको ये ऐसी अलौकिक दुनिया दिखती थी, और जैसे कोई किसी का मर्डर हो गया तो उसकी डेड बॉडी कहाँ छुपा के रखी है वो उसको पता चल जाता था, वो पुलिस के साथ एफबीआई के साथ हेल्प करके उनको, आज भी अमेरिका में हेल्प करती है और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करती है। और ये मतलब बहुत सारी बातें, हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया था आपका सीक्रेट ऑफ मीडियम, ये एक साल पहले की बात है, और ये हर बंदे को देखना चाहिए जो अलौकिक दुनिया में विश्वास रखते हैं, और या क्योंकि हर आत्मा ऐसा जानना तो चाहती है लेकिन अपनी खुद की आंखों से तो देख नहीं सकती क्योंकि वो आत्मा स्वरूप की अवस्था में नहीं पहुंची है। तो बापूजी हम और आगे जानना चाहते हैं कि ये जो जो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि अलौकिक और पारलौकिक दुनिया में डिफरेंट क्या है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, तो जैसे सूक्ष्म दुनिया, जैसे स्थूल दुनिया में रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, ऐसी तरह सूक्ष्म दुनिया में भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए होते हैं। ओके, क्योंकि सूक्ष्म दुनिया वाले ज्यादातर वो इंटरफियर स्थूल जगत वालों को ना करें, ऐसा कायदा सख्त बना हुआ है। और फिर सारे जो आत्माओं का जो नेचुरल लॉ ऑफ जो सोल है ना, आत्माओं का कायदा तो होता है ना, वो सबको लागू पड़ता है, सूक्ष्म वतन में भी होता है, इसलिए वहां भी कायदे कानून होता है, इसलिए आत्माएं कायदे कानून से परे नहीं जा सकती। सूक्ष्म जगत वालों को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होता है कि तुम स्थूल जगत वालों को, माना मनुष्य को, डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब करने का कायदा नहीं है। मगर जो हमारी नेगेटिव आत्माएं जो यहाँ है, जिसको एकदम थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्मा है, तो एक दूसरे में कहीं में प्रवेश करके फिर अपनी इच्छाएं पूरी करती हैं, नेगेटिव कर्म कराती हैं, ऐसी दुष्ट कोटी की आत्माएं हैं, भूत प्रेतात्माएं जो ऐसा कर्म कराती हैं। बाबूजी पायलट बाबा का भी एक और एक्सपीरियंस में उन्होंने बोला था कि उनके सहयोगी जब हिमालय की गुफाओं में या वहाँ पे जब तपस्या करते थे तो जब बर्फ गिरा उनके ऊपर तो वो 30 फीट गहरे अंदर फंस गए, तो उन्होंने सूक्ष्म दुनिया के माध्यम से उनका कनेक्शन किया, उनको अपना लोकेशन बताया, फिर पायलट बाबा ने यहाँ से आर्मी को वो लोकेशन दिया, फिर वहाँ से वो हेलीकॉप्टर से उनको निकाला बाहर, और फिर जो है तो मतलब ये सूक्ष्म दुनिया में भी वो काम कर रहे हैं, उनके साथ आत्माएं काम कर रही है, ये बात उन्होंने बताई थी अपने इंटरव्यू में। देखो जैसे पायलट बाबा के साथ उनके गुरु सूक्ष्म गुरु थे उसके जी, तो सिद्ध गुरु के साथ भी हजारों आत्माएं होती है, इनके साथ सूक्ष्म जगत की हजारों आत्माएं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों को अपना दीक्षा दी है, आज उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो जितना धरती पर मठ पंत संप्रदाय जो फैलता है ना जी, उसका कारण उसके साथ हजारों सूक्ष्म जगत की आत्माएं लाखों करोड़ों जुड़ जाती है। हाँ, लाखों करोड़ों जुड़ जाती थी जी, और वो मठ संप्रदाय अच्छा काम करने के लिए हेल्प करती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी बहुत हेल्प करती है, तो तुरंत वो टेलीपैथी करते हैं, दूसरों को संकल्प डाल के मैसेज देते हैं कि हेल्प करने के लिए, तो वहां जो हेल्प करने वाला होता है तो सूक्ष्म मशीनरी तेज करके हेल्प करने के लिए वो दूसरों को रेज मारते हैं, जो हेल्प चाहिए जिसे हेल्प चाहिए वो रेज मार के उसको आगाह कराते हैं, और किसी में या तो प्रवेश करा के भी बुला सकते हैं कि वहां ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं दूसरों को हेल्प भी करती हैं, हेल्प पहुंचाती भी हैं, और बहुत अच्छा कार्य भी करती हैं, नेगेटिव भी कार्य करती हैं, पॉजिटिव भी कार्य करती हैं। बाबू जी पारलौकिक जगत से जो आत्मा है वो धरती पे आ सकती है क्या बार बार? हाँ नहीं, बहुत जो देखो जो ज्यादातर हम एक बात बताया कि जो ब्रह्मापुरी से ऊपर आत्मा चली जाती है, ब्रह्मापुरी माना सत्यलोक, सत्यलोक तक जो आत्माएं होती है वो धरती पर आकर साधु संत बनकर अपने आश्रम बनाती है, उससे ऊपर जब कहते हैं वैकुंठ जहाँ विष्णुपुरी होती है, वैकुंठ आत्मा चली जाती है तो वो उसका वो नीचे देखती तक नहीं, और ना उसका कनेक्शन अलौकिक दुनिया से भी नहीं, पारलौकिक दुनिया से भी नहीं रहता, वो ब्रह्मापुरी से भी नीचे नहीं देखते, क्योंकि विष्णुपुरी वैकुंठ में चले गए तो वहां परम सुख है, वहां परम तत्वों की दुनिया है, और इससे ऊपर जो शिवपुरी में चले जाते हैं तो वो महाकारण जगत है, उससे ऊपर परमधाम निराकार बन के चली जाए तो ऐसी आत्माएं धरती पर का कनेक्शन में नहीं रहती, वो जानते हैं धरती पर जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए वहां से ऊपर नहीं आते।
विष्णुपुरी से ऊपर जाने वाली आत्माएं नहीं आती नीचे, और ना उसके कनेक्शन कर सकते हो। अच्छा, कनेक्शन भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो ज्यादा ज्यादा आत्माओं को बुलाने का काम करते हैं ना, कहीं हम बार नहीं करते, आत्माओं बुलाते हैं आकर। बाबू जी, कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो आत्माओं को देख सकते हैं, जिन्हों को आत्माओं को भूत प्रेतों को देख सकते हैं, क्या ये सच होता है ये, क्या वो झूठ दावा करते हैं? नहीं, कई आत्माएं जिनके पास आत्माएं होती हैं, तो वो आत्माएं जिस इंसान को दिखना चाहे तो उसी आत्मा उसको रेज मार के, उसकी आत्मा पर रेज मार के, उसकी आत्मा में रेज मार के दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है सब झूठ है, ऐसा नहीं है। भूत प्रेत दिखते हैं, कई लोगों को दिखते हैं उसके साथ। मैंने कोई मुस्लिम कोई साधु संत या पता नहीं कोई अच्छी आत्मा थी, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जिन्नातों को देख सकते हैं, और काबा के ऊपर पूरी फौज होती है उनकी, और उनका जो जिन्नों का पूरा एक एक लाइफ होती है उनका, 11,000 साल की उनकी उम्र होती है, वो भी पढ़ते हैं, उनकी भी शादी होती है, उनका भी बच्चे होते हैं, और बहुत सारी बातें वो बता रहे थे। लेकिन एज ए हिंदू हमें ये समझना इसको थोड़ा मुश्किल लगता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, हमारे शास्त्रों में देवी देवता नहीं बताया, तीसरे लोक में रहते थे ना जी, ये तो काबा हमारा धरती पर की बात बताती है ना, ये तो धरती की बात। तो हर, मैंने तो एक वीडियो में बोला, हर मंदिरों में भी आत्माएं जाती हैं, भूत प्रेत जाती है, वहां मंदिरों में भी प्रार्थना अर्चना करती हैं भूत प्रेत। आत्माएं तो जाती है ना। तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोग पढ़ाई करते हैं और स्टडी करते हैं धरती, उसके मास्टर भी उनको देख सकते हैं, मतलब एज ए ह्यूमन नहीं देख सकते लेकिन जो उनके गुरु है वो देख सकते। देखो, मैंने एक वीडियो बोला है जहाँ रामायण महाभारत की आत्मा कथा कौन करवाते हैं कि वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, इकट्ठी होती है, बोले हमें रामायण सुनना है, महाभारत सुनना है। हाँ। तो स्थूल जगत वाली आत्माओं को इंस्पिरेशन देती है, रेत देती है, और उसके द्वारा फिर अच्छे कोई बुलाते इकट्ठे होते हैं। तो जैसे स्थूल जगत वाले इकट्ठे करके रामायण महाभारत सुनते हैं, या ऐसी तरह सूक्ष्म जगत वाले वहां मनुष्यों से ज्यादा होते हैं रामायण महाभारत सुनने वाले। आप समझे ना, क्योंकि उनको भी तो रामायण महाभारत सुनने से आराम मिलता है थोड़ा टाइम, जैसे मनुष्यों को आराम मिलता है, तो वहां वो होता है। इसलिए वहां वायुमंडल क्यों होता है, रामायण महाभारत मंदिरों में अच्छे वायुमंडल क्यों होते हैं, वहां भी नेगेटिव आत्माएं भी वहां सुनने आती है, और धीरे धीरे मन की शांति के लिए, तो वहां मन की शांति फैलाती सूक्ष्म जगत की आत्माएं। तो मंदिरों में, धर्म स्थानों में, हर कोई धर्म स्थान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जहां भी हो, वहां सूक्ष्म जगत की आत्माएं प्रे करने आती हैं और प्रार्थना करने आती हैं। सब हर जगह होती है, जहाँ मनुष्य होता है वहाँ स्थूल जगत, स्थूल सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है। बाबू जी, अलौकिक दुनिया में सृष्टि कैसी होती है, क्या वहाँ कर्म बंधन होते हैं? जैसे स्थूल जगत है ना, वैसे सूक्ष्म जगत में वहाँ पहाड़, नदियाँ, सब कुछ होता है, सूक्ष्म होता है। आपने कई बार ये कहा कि स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत चलाता है, जैसे यहाँ धरती पे है ऐसा ऊपर भी है। हाँ, ऊपर भी है, सूक्ष्म में सूक्ष्म लोक है, तीन तत्वों की दुनिया है, पहाड़ होती है, नदियां होती हैं, अच्छा हो, सब कुछ जहाँ जो स्थूल में देखते हो वैसे सूक्ष्म में दिखेगा वहाँ सब कुछ, मगर वो तीन तत्वों में होगा। इससे ऊपर भी जाओ तो परम तत्वों की जहाँ दुनिया होती है ना, जहाँ वैकुंठ बोलते हैं वहाँ परम तत्वों की, वहाँ भी परम तत्वों की दुनिया होती है, तो वहाँ भी पहाड़, नदियाँ परम तत्वों की दुनिया, शरीर भी परम तत्व, सब कुछ परम तत्वों का होता है, महल माड़िया सब परम तत्वों का होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ परम सुख होते हैं। इसलिए फर्क होता है कि पांच तत्वों में होती है, वो तीन तत्वों की दुनिया होती है, और वहां भी कारण, वहां भी कर्मों का हिसाब किताब तो लगता ही है, सबको लगता है कर्मों का हिसाब किताब, थियरी ऑफ कर्म हर जगह लगता है, चाहे स्थूल जगत हो, सूक्ष्म जगत हो, आकारी अलौकिक दुनिया हो, पारलौकिक दुनिया हो, कारण जगत हो, महाकारण जगत हो, या निराकारी दुनिया हो, आत्माओं की दुनिया हो, निराकारी आत्माओं की दुनिया, चाहे परमधाम भी हो, चाहे शिव को भी लागू पड़ता है थियरी ऑफ कर्म, तो महाशिव को भी लागू पड़ता है, परम महाशिव को भी, यूनिवर्स बनाने वाले को भी लगता है, मल्टीवर्स बनाने वाले को भी लगता है। थियरी ऑफ कर्म माना सोचना, वो सोचते हैं ना, संकल्प द्वारा सृष्टि बनाते हैं ना, संकल्प द्वारा सृष्टि बनाती है, तो उसकी पावर और एनर्जी से सृष्टि बनती है, तो पावर तो वेस्ट होती है ना, तो पावर वेस्ट होना माना थियरी ऑफ कर्म, समझ में आए? बाबू जी, अलौकिक दुनिया में किस प्रकार के मनुष्य जा सकते हैं? अलौकिक दुनिया में जाने के लिए जैसे स्वर्ग में जाना है किसी को, कहते ना वो हमारे यहाँ तो स्वर्ग में गया, नरक में गया, यहाँ तो ये कहते हैं मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते, हाँ तो पांच तत्वों में तो नहीं जा सकते ना, विश्वामित्र भी खुद चाहता मैं पांच तत्वों में चला जाऊं स्वर्ग में, मगर वो अपनी कितनी शक्तियां लगाई मगर वो जा नहीं सका, त्रिशंकु बन गया वो। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ विश्वामित्र का, कितना बड़ा ऋषि मुनि था, तो ये विश्वामित्र राजा था, राजा से ऋषि बना, ऋषि से महर्षि बनने के लिए बहुत तपस्या की उसने,
तो भी वो नहीं जा पाए तो एक साधारण मनुष्य को तो कितनी तपस्या करे। बाबूजी मैं आपको यहीं रुकूंगा, हम इसका पार्ट टू नया वीडियो बनाएंगे। मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि पार्ट वन के बाद पार्ट टू जरूर देखिए, उसमें भी अभी क्वेश्चन बहुत सारे बाकी है। परम शांति।